घर में है कि नहीं मैं पता करके आती हूँ। All right. Emily, इसको मैं कहाँ रखूँ बताओ? क्या कहा? Infrared. इसे कहाँ रखूँ? कहीं भी रख दो, मैं बाद में बताऊँगी। ओके, फिर शुरू हो गई। चलो। ओके। अब क्या करें? तुम ही बताओ। कैसी? मेरा फोन जरा कार में रख दो। डेफिनेटली, तुम्हारे साथ काम करने के लिए ही तो आई हूँ। सेलफोन के सिग्नल से हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो काम नहीं करेगा। मैनुअल, हमें यहाँ बुलाने के लिए थैंक्स। थैंक यू यहाँ आने के लिए। यहाँ आने के लिए तो मुझे ही तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा दुख मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। जोसेफिना की तरफ से तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है? सारी रात उसके रोने की आवाज ही आ रही थी। हम बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे। तो घर खाली करके चले क्यों नहीं जाते? वो हमारी बेटी है, इसलिए हम यहाँ से नहीं जा सकते। ये मेरी वाइफ है लतीशिया। हेलो, हाय, जल्दी अंदर आओ, वो तुम्हारी राह देख रही है। यही उसका बेडरूम है। वो कैसे मर गई थी जरा बताइए? 3 साल पहले वो कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। एमली, मैं ईबीबी रिकॉर्ड्स और माइक और बाकी सब अरेंज करके आती हूँ। थैंक यू। इससे पहले वो हमेशा बहुत खुश रहा करती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। I love you mama कहा करती थी, लेकिन अब तो सिर्फ रोती है, चिल्लाती है। अब हम क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इतना तड़प रही है, हमसे सहा नहीं जा रहा। वही हमारी पहली संतान है। रात को वो बड़बड़ाती रहती है। Please, आपको ही मदद करनी होगी। घर के चारों तरफ से उसकी आवाज सुनाई देती है क्या? हाँ, हमारे सामने वो हमेशा डरते हुए भागती रहती है। और क्या क्या होता है? क्या क्या होता है छुपाए बिना बताइए जरा। हम आज तक कभी इतना नहीं डरे। उसके साथ कोई और भी है? वो अकेली नहीं है। मैं समझ सकती हूँ। मैंने सब रेडी कर दिया। ओके, थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। सॉरी, आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं, कुछ नहीं। अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं बुलाऊंगी आपको। ओके। आप सोते वक्त टीवी को ऑन रखते हैं क्या? नहीं, क्यों पूछ रही हैं? बस वैसे ही जानने के लिए से पूछ लिया। कैसे, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? क्या कहा? वो साउंड तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है? इधर कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा और वे भी नहीं दिख रहा। तुम्हें सुनाई दिया ना? हाँ, मुझे सुनाई दिया, लेकिन मशीन में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब मशीन में रिकॉर्ड हुआ। ये उसी की आवाज है, प्लीज हमारी मदद करो। बेटी, घबराओ मत, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। आई लव यू माई डियर। तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। जोसेफिन, मेरी आवाज तुम सुन रही हो? मेरा नाम एमिली है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। जोसेफिन, मुझसे बात करो। वो हिल रही है, वो भी कैमरा 2 में दिखाई दे रहा है। ये साउंड कैसा? कोई और भी है यहाँ पर?
वो मेरी बेटी है, शायद किसी प्रॉब्लम में है, दया करके उसे बचा लीजिए प्लीज। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। प्लीज सारी लाइट्स बंद कर दो प्लीज। जोसेफिन डरो मत, कुछ नहीं होगा, पापा यहीं पर है। डरो मत बेटी, आप जरा चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए सर, साइलेंट हो जाइए। बिल्कुल मत डरो जोसेफिन, मैं एमिली हूँ, तुम्हारी मम्मी डैडी की फ्रेंड हूँ। आप डरिए नहीं, हम सब देख लेंगे। ठीक है जोसेफिन, मेरी आवाज सुन रही हो, मुझसे बात करो। अचानक एरिया ठंडा हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मेरे मीठे में तो नजर आ रही है। जोसेफिन के अलावा यहाँ पे कोई और भी है क्या, बताओ मुझे। अगर कोई है तो इस तरह से आवाज कर सकते हो इसे। यहाँ कोई हिल रहा है। वो जोसेफिन ही हो सकती है, वो डर के अपने आप को बचा रही है। जोसेफिन वो तुम ही हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा कौन पीछा कर रहा है? घबराइए मत, आप लोग मेरे साथ चलिए। कोई बात नहीं, यही रुकिए। आप यही रहिए प्लीज। मैं यहीं पे हूँ, तुम बिल्कुल मत डरो, मेरी आवाज सुन रही हो ना। जोसेफिन तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसको छोड़कर निकल जाओ। भगवान के नाम पे मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, उसको छोड़कर तुम तुरंत चले जाओ। जोसेफिन तुम वहां से निकल आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जोसेफिन तुम कहाँ हो, वापस आ जाओ, तुम्हारी मम्मी डैडी यहीं पर मेरे साथ में है। तो बच के बाहर आ गए। एमिली बहुत अच्छा काम किया, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। हाँ, और मैंने भी नहीं सोचा था मैं ये सब देखूंगी। वैसी आत्मा मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं, मैं दावे से कह सकती हूँ वो आत्मा नहीं है, वो कुछ और हो सकती है। ऐसी सिचुएशन मैंने पहले कभी नहीं देखी। वैसे वो क्या हो सकती है? मुझे भी ठीक से नहीं पता वो क्या है, मुझे पता करना होगा। गुड नाइट गाइस, बाय बाय। हे एमिली, एक मिनट। बोलो क्या बात है? तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, इसलिए कह रही हूँ। ओके। बात ये है कि मैं जो बोलने जा रही हूँ उसका गलत मतलब मत निकालना। मैं बिल्कुल गलत मतलब नहीं निकालूंगी, बोलो। मैं सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, आज के बाद जब भी क्लाइंट से बात करो तो सोच समझ के बात करना। तुम किस बारे में बात कर रही हो? आज तुमने लेटिशिया के साथ बहुत गलत बात की। ऐसा क्या? हाँ, हो सकता है कि टेंशन की वजह से मैंने कुछ बोल दिया हो, फोकस पूरा उसे बचाने में लगा हुआ था। तुम फिक्र मत करो, उन्हें समझा दिया है कि गलत मीनिंग ना निकालें, और उन्हें कह दिया कि जब तुम काम में होती हो तो टेंशन में होती हो। कई बार मैं जिंदा लोगों को नहीं, मरे हुए लोगों को ही खुशी देती हूँ। एमिली। जेस को कुछ टेंशन हुआ था क्या? उसकी तुम फिक्र मत करो, वो मेरे पीछे पीछे धूम हिलाता फिरता है।
वो मुझे बहुत चाहता है। पुराने टेक्नीशियन से तो ये बहुत ही बेहतर है। वो बहुत स्मार्ट है ना। गुड नाइट कैस। गुड नाइट एम। लव यू। मैं भी। ओके डार्लिंग, हम चलें क्या? तुम बैठो तो सही। आज तो मैं नहीं खेल सकूंगी, बहुत थकी हुई हूं। हेलो मिसेस एमिली, मैं डॉसन बोल रहा हूँ, एक डेवलपिंग कंपनी से बोल रहा हूँ मैं। जैसे हमने पहले डिसाइड किया था, मैं कल हॉस्पिटल आके कुछ फोटोज ले लूंगा। कल सुबह 10 बजे मैं आपसे आके मिलूंगा। आप अपने आप को 10 बजे फ्री रखिए मेरी मदद करने के लिए। थैंक यू। भगवान पर जिसका भरोसा होता है और वो लोग जो भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, सिर्फ वही भूतों को भगा सकते हैं। ऐसे लोगों को देखते ही भूत घबरा जाते हैं। ऐसी जगहों में कई बार तो भूत आते ही नहीं हैं। भगवान की कृपा से ही इन आत्माओं को भूतों से छुड़ा सकते हैं। ये भूत एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर जो उनकी इच्छाएं होती है वो पूरी तरह से पूरी करते हैं। अगर कोई इच्छा जाहिर करता है तो उनके शरीर में ये भूत जल्दी से प्रवेश करते हैं। तो फिर इस भूत को किसने बुलाया होगा? निकलने का मुहूर्त खराब है। हेलो हेलो, कोई अंदर है क्या? कोई अंदर है क्या?
मैं एमिली हूँ। Oh my God, मैं तो बिल्कुल डर गई थी। Sorry, शायद मैंने तुम्हें डरा दिया। कोई बात नहीं। आप तो मरने वालों से बात करते हैं, इतने में डर गए? मुझे माफ कर दो। मरने वालों से नहीं, आत्माओं से बात करते हैं। चाहे कोई भी हो, मुझे माफ करना। I'm sorry। कॉफी गिर गई थी। कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता रहता है। हाथ से फिसल गई थी। तो मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओह, मिस ट्रैन। प्लीज विल, मुझे एमिली कह के बुलाइए। ओके, एमिली, आपने मैनुअल की बहुत मदद की है, उनकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझसे जो हुआ मैंने किया, ये तो मेरी ड्यूटी है। मैंने उनसे बात की थी, उनका कहना है कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसका कारण नाभि है। बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि आप ही उनके फ्रेंड्स हैं। आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नए मालिक से बात की क्या आपने? यहाँ में कितने दिन और रहना होगा पता नहीं। कंपनी से कोई आ रहा है, मुझे फोन आया था, उनसे पूछ कर बताऊंगी, और मुझे कुछ पता चला तो पहले मैं आपको ही बताऊंगी। थैंक यू। नए ओनर्स ने मुझे एक चिट्ठी भेजी है, इस बिल्डिंग को टेक ओवर करने के बाद मुझे आपकी जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा है उन्होंने उसमें। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसा सब होता ही रहता है। आज मुझे बहुत काम है, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे अभी बता दीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे आप इंटरव्यू में जा रहे हैं? हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। अच्छे से अटेंड कीजिएगा, नहीं तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? आप ही बताओ, जॉब मिलने पे तो अच्छा खाना खा सकते हैं। यार राइट, वो भी सही बात है। यही तो बात है। सॉरी, किसी तरह हमें यहाँ से जाना ही होगा। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। बाय विल। बाय। वो कहां है? ओके, मैं कह रहा हूं। हेलो, कहां गायब हो गई बेटी? बेटी, हेलो बेटी, thank you.
आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है, वही मुझे यहाँ लेकर आई। मेरे तो कोई बच्चे नहीं है। तो फिर वो लड़की है कौन? कोई घर आए तो घर दिखाने के लिए रखा है क्या? आपने जिससे देखा वो बिल की बेटी है, वो अपने साथ कभी कभी इसे लेके आ जाते हैं। मुझे सब दिखा के होगी क्या? उसके लिए धन्यवाद, मेरे पास कोई और चारा नहीं। परेशान मत होइए, मैं आपको तंग नहीं करूंगा। तो इस बिल्डिंग के नए ओनर आप ही हैं क्या? नहीं, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। मुझे कुछ रिसर्च करना है, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए, क्या आप मुझे परमिशन देंगे? वैसे यहाँ आने के कारण वही हो सकता है, आपने जो कहानी बताई वो सच है या फिर झूठ, उसका पता लगाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। किस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं? अंधविश्वास से जुड़ी जो कहानियाँ है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर कई लोग आए हैं और उन्होंने भूतों पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। ओके, खैर छोड़िए, आपकी कहानियों की वजह से इस बिल्डिंग को बेचने के लिए हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। हेलो, इस भूत बंगले को खरीदने के लिए कौन आगे आएगा? वैसे मुझे क्या लेना देना? ओके, तो फिर हम अपना काम शुरू करें। बिल्डिंग प्लान्स के लिए मुझे कुछ फोटोस निकालनी पड़ेंगी। या श्योर। पहले क्या देखेंगे? पहले मुझे रूफ देखना है। हम ऊपर से स्टार्ट करके नीचे की ओर आएंगे, तभी मजा आएगा। मुझे लगता है कि आपको ये जगह बहुत पसंद है। मुझे ये जगह पसंद है, ये किसने कहा? इस हॉस्पिटल के बारे में आप कुछ जानते हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये हॉस्पिटल 1904 में शुरू हुआ था और 1911 में बंद हो गया। इस हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, इसलिए बहुत सारे केसेस चल रहे हैं इसपे। बहुत सारे केसेस चल रहे हैं तो इस बारे में क्या बात करनी है? आप अपना काम देखिए, बस वही बहुत है। मेरा यहाँ पर आना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप जो कहानियाँ बना रही हैं उसे सुनने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आप कुछ भी सोचिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस जगह को कोई केयर नहीं कर रहे, इसलिए बहुत सारे लोग आके शूटिंग करते हैं यहाँ पे, बच्चे आके अपनी मर्जी से यहाँ पे खेलते हैं। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ पे खेलने आई हूँ। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, यहाँ अगर फ्लैट्स बनेंगे तो लोगों के लिए अच्छा ही होगा ना। क्या कहा? लोगों के लिए? जी हाँ, यहाँ पर फ्लैट बनाने से लोगों का कोई भला नहीं होगा। बस एक ही मीटिंग में आप लोगों ने ये बिल्डिंग खरीद ली। आपकी कंपनी का इतिहास क्या है? सिर्फ डेवलप करने के लिए आपको कोई और जगह नहीं मिली, यही बिल्डिंग मिली थी क्या? इस वजह से ये शहर नष्ट हो जाएगा। नष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ठीक कर रहे हैं इसे। ये शहर साफ सुथरा हो जाए आपको पसंद नहीं है क्या? अरे सुनिए, ये बिल्डिंग आपकी है, आप जो चाहे कर सकते हैं, मुझे इसे क्या लेना देना। प्रॉपर्टी को डेवलप करना चाहते हैं? आपने बिल्कुल सही पहचाना। इस प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए आपको परमिशन कैसे मिल गई? देश के पुरातात्मक स्थानों में से ये भी एक है। हाँ, पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, वो कंपनी सामने वाला कोई भी हो, कैसे भी हो, सपना बना लेती है। रिश्वत देने से सब काम हो जाता है ना? ऐसी कोई बात नहीं, ये तो जनता का पैसा है। अगर आपको और भी डाउट है तो प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखिए। मेरा सोचना है कि आप इन पुरातात्मक स्थानों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। एक ना एक दिन सब कुछ बदलना ही होगा, अब ये शहर बदलेगा बस। इस बिल्डिंग में जो आत्माएं रहती हैं, उन्हें बाहर निकालने का कोई ठोस प्लान है? इस बिल्डिंग में भूत प्रेत है कह के हमारे प्लान को बर्बाद मत कीजिए। ऐसा लग रहा है तो आपको भरोसा नहीं है। मुझे उन पर भरोसा नहीं है। सुपर नेचुरल के विषय में भी एक ना एक एक्सप्लेनेशन जरूर होता है। आप इस शहर के हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ कितनी जाने गई हैं। थोड़े बहुत लोग मरे होंगे, उनमें से आधी आत्माएं यहाँ से नहीं गई हैं, इसीलिए यहाँ पे अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती हैं, बातें सुनाई देती हैं, यहाँ वहाँ भागने की साउंड आती रहती है। क्या कहा? साउंड सुनाई देते हैं? सच कह रही आप? वो किसी जानवर या फिर हवा के झोंके की भी हो सकती है, उसे भूतों की बात क्यों सोच रही है? यही मेरा पेशा है, इसीलिए तो इन साउंड को मैं पहचानती हूँ। जब से आपने यहाँ पे प्लान बनाया कि इस प्रॉपर्टी को डेवलप करना चाहते हो, तब से यहाँ पर सुपर नेचुरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं। ओके, अब हम जाके पेंटा हाउस देखते हैं। Okay.
सिक्स्थ फ्लोर में आपका स्वागत है। तो तुम नीचे गिर गई होती। एक्चुअली ये लिफ्ट कैसे खुल गई यहाँ पे? तुमने लिफ्ट के बटन को दबाया या नहीं? मैंने कुछ नहीं किया, ये लिफ्ट तो बंद हुई बहुत साल हो गए। जब मैंने बैटरी मांगी तभी इसका दरवाजा खुल गया था। आपने बैटरी मुझसे मांगी थी क्या? हाँ। सॉरी, मैंने ठीक से सुना नहीं। वैसे आपने इस लिफ्ट को खुलते हुए देखा क्या? वो खुला हुआ तो है। देखा जाए तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग के पुराने मालिक हमें रिसर्च करने से कभी मना नहीं करते थे, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही खास होता था। हमारा भी तो खास है ना। यहाँ सब लॉक क्यों किया गया है? अंदर कोई जा न सके इसलिए। यहाँ कुछ लोग जिनके पास घर नहीं है वो ज्यादातर फर्स्ट और थर्ड फ्लोर पर ही रहते हैं, पर देखा गया कि उनका कुछ न कुछ झगड़ा तो चलता ही रहता है। कोई झगड़े ना हो इसलिए बंद किया होगी, यही कर रही हो ना? पुराने ओनर विल्स ने इसे बंद करने के लिए कहा था। वैसे मैं इस फ्लोर की फोटोज भी लेना चाहूंगा। यस श्योर, पर मेरे पास इसकी चाबियां नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो विल से मांग के ले लीजिएगा। ठीक है, मैं ही उनसे चाबियां मांग लूंगा। इतनी जल्दी बैटरी कैसे खत्म हो गई? ये लीजिए। थैंक यू। एक्चुअली आज ही मैंने नई बैटरी डाली थी। क्या आप कोई टीवी प्रोग्राम नहीं देखते? किस लिए बोल रही हो? आपने टीवी पर कोई भूत प्रेत की फिल्में या उनके बारे में कोई और प्रोग्राम नहीं देखा है क्या? मैं सिर्फ फूड प्रोग्राम ही देखता हूँ। क्योंकि आत्माएं अगर आसपास होती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और बैटरीज बिल्कुल लो हो जाती हैं। तुम्हारा मतलब बैटरी डाउन होने का कारण भूत है क्या? हो सकता है, मैंने कई जगह पढ़ा और देखा भी है। अजीब लग रहा, भूतों को किस लिए बैटरी पावर? आप बिल्कुल भरोसा नहीं करते किसी पे? हाय एमिली, ये कौन है, इनको पहले नहीं देखा? ये है कैसी और ये है डॉसन। ये बिल्डिंग जिसको बेची है वहाँ से आए हैं ये। ओ, अब समझ में आया। जब मैं अंदर आ रहा था तो भूतों की आवाज आ रही थी। अच्छी है, तुम्हारी कहानी अच्छी है। मतलब आप लोग भूत को पकड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं? भूतों को पकड़ना नहीं, भूतों की हेल्प करने आए हैं, ये समझ सकते हैं। हे गाइस, जरा सेकंड फ्लोर को देखो जरा।
आज वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। हाँ, लगता है डॉसन से बहुत नाराज हैं। किस लिए? इस बिल्डिंग को तोड़ने की डॉसन सोच रहा है। ठीक है, वैसे कितने सालों से ये प्रयोग कर रहे हैं आप? आप समझते हैं हमें तजुर्बा नहीं है? हवा के झोंके से भी खिड़कियाँ हिल जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि भूत हैं। इस सबको हमने बहुत बार चेक किया है, कई बार उनका कारण होता है और कई बार कारण नहीं होता है। ओके, कब कब यहाँ हवा के झोंके आते हैं बताइए? हवा कभी भी आ सकती है। देखिए, आप अगर किसी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो वो सुपरनैचुरल नहीं हो सकता। मैंने ईवीपी से इसे रिकॉर्ड करके भी देखा है। वैसे ईवीपी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनल। ओके, उसमें आपने रिकॉर्ड किया है क्या? नहीं, बीएचपी में एक और टीम काम करती है जिन्होंने इसे रिकॉर्ड करके देखा है। ओके, तब आप उस समय उस जगह पर नहीं थी क्या? वो सच है या झूठ है आप दावे से नहीं कह सकती हैं। उस बीएचपी में जो आवाज रिकॉर्ड हुई है वो किसी जानवर की भी हो सकती है। उस वक्त मैं उसी जगह में था। इसको हुए 4 महीने हो गया। वो एक बड़ा खाली हॉल था और तो वहाँ कोई भी जानवर नहीं था। जरा आप इसे भी देखिए ना, ठीक 3 महीने पहले एक आदमी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा एक ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है, उसका नाम हर्मन है, ऐसा हम सुन सकते हैं। ओके, सुनते हैं। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। क्या कहा आपको? सुनाई नहीं दिया? कैसी? इसे फिल्टर करके साउंड को ज्यादा करके सुनाइए। अब सुनाई दिया? सॉरी गाइस, मुझे वैसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। आप इस बैकग्राउंड में जरा देखिए, एक परछाई वहां से गुजर रही होगी, आप देख सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक क्रॉस होगी। परछाई? इस फुटेज में आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। ओ, 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 वाओ, सुपर्ब, ये बहुत अच्छा। हाँ, लगता नहीं कि ग्राफिक किया है। ग्रेट, ये सब रिकॉर्ड किया है, ग्राफिक्स नहीं है ये। देखिए, मुझे लगता कि आप इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आई एम सॉरी। ठीक है, अगर आप जो कह रहे हैं हम वो बात मान भी लें। ड्रायन डॉसन। ओके डॉसन, अगर आप हमें यहाँ से भेजना चाहते हैं तो आज रात को ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी। तो आप ही हमारे साथ चलेंगे? नहीं, रहने दो, वैसे मैं भूत प्रेतों में भरोसा नहीं करता। वेल, आपको फोटोज चाहिए बस यही ना? आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम करेंगे, सबका काम हो जाएगा ना? वैसे आपने जो टी शर्ट पहनी है बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी देंगे क्या? सॉरी, हम नहीं देंगे। ठीक है, मैं अकेले ही यहाँ रह के अपना काम पूरा कर लूंगा। ऑलराइट, ओके। ये जगह आप जितना समझ रहे हैं उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर फोटो निकालना भी मुमकिन नहीं है क्योंकि चाबियां विल के पास हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ओके ओके, पहले कहाँ जाना है? मैं पहले ईआर जाना चाहूंगी। चलो तो वहाँ चलते हैं। हमने आप भी बहुत आत्माओं से बात की है, क्लोई, शैडो मैन और एक बुजुर्ग आत्मा भी, और एक नर्स से भी बात की है। ओके, सब तैयार है मिस्टर एंड, अब हम निकल रहे हैं। चलें, भूख लग रही है क्या? घर जाके खाना खाएंगे। सबको बाय कहो। बाय, थैंक्स विल, गुड नाइट। मुझे अंदर का रास्ता दिखाने के लिए थैंक्स। यू आर वेलकम। आपको यहाँ कोई पसंद नहीं करता। मैं जानता हूँ। देखो बेटा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ, उन्होंने मुझे बताया। हेलो, आप ही से? देखिए, मैं आप लोगों को पसंद नहीं, ये सब बातें बच्ची से। हमने कुछ नहीं कहा। ये किस किस को पसंद नहीं है स्वीटी? यहाँ के लोगों को। उन्हें कुछ कहा तुमसे? वो लोग बहुत गुस्से में हैं। क्यों गुस्से में हैं? क्योंकि ये बिल्डिंग तोड़ने वाले हैं। वैसे तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रही है। और उनके पास दूसरी जगह नहीं है। हम तो इस जगह को ठीक करना चाहते हैं। ये बात वो नहीं समझते। देखो बेटा, तुम मेरे साथ घर चलो, कोई शैतानी मत करना। ओके। उनकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप बुरा मत मानिए। ओके, अब हम चलते हैं। क्यों बेटा, गुड नाइट एवरीबॉडी। बाय बाय, गुड नाइट। नीचे उतरते वक्त किसी को टच मत कीजिए क्योंकि बहुत ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स भी हैं।
ट्रिगर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? आत्माएं कहाँ हैं उनको पता करने का यंत्र। मतलब? मतलब भूतों को पकड़ने के लिए तैयार रहो। ओह माय गॉड, विल से फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर की चाबियां लेना भूल गया मैं। फिर ले लेंगे, सब फ्लोर थर्ड फ्लोर जैसे ही लगते हैं। वैसे मैं सारे फ्लोर्स एक बार देखना चाहता हूँ। सॉरी, नहीं दिखा सकते हैं, हमें कई साल हो गए सारे फ्लोर्स देखे हुए। वहाँ हाल में कुछ नजर आ रहे, वो सब क्या है? की पॉट्स। इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स हो तो लाइट जलती है, इसीलिए कहीं कहीं ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स रखा है। तुम क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हाय, ईवीपी सेशन, ट्यूसडे नाइट, लिंडा विस्टा हॉस्पिटल। अब सेशन शुरू होने वाला है। 5, 4, 3, 2 and 1। हेलो, यहाँ पे कोई है क्या? मैं एमिली हूँ। मैं चेस हूँ। मैं कैसी। हमारे साथ एक गेस्ट भी है, उनका नाम डॉसन है। यहीं पर एक डॉक्टर की मौत हो चुकी है, उसके पास काम करने वाले ने मारा उसे। ओके। आप यहाँ पर हैं, हमें बताएंगे क्या? सॉरी, इसे कान में लगा लो और अच्छी तरह सुनाई देगा। हम में से किसी को आप हाथ लगा सकते हो, नहीं तो बाल पकड़ के खींचो। बाल पकड़ के खींचते हैं? हाँ, हमेशा ऐसा होता है। वो यहीं पर है। मेरे मीटर में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, 0.1 ही है। मार्क 959, मुझे आवाज सुनाई दी। आप लोगों को सुनाई दी? मुझे भी कुछ सुनाई दिया। वो एक ईवीपी है। उसका भी तो आपको डाउट है? पे कोई है जो हमसे बात करना चाहता हो? मुझे चोट लगी है, कोई आकर मेरी मदद करेगा? अच्छा, वो हेल्प क्यों मांग रही हैं? वैसा बोलने पर ही आत्माएं हेल्प करने आएंगी, तब हम उन्हें देख सकते हैं। मैं नीचे गिर गया हूँ, ऊपर उठ नहीं पा रहा हूँ। मैंने जो बोला उस पर भरोसा कर लिया, इसलिए पूछा मैंने। ये क्या है? भूत। लीजिए, इसे रख लीजिए। इस हॉल में पूरा इंफ्रारेड है, इसे ऑन करेंगे तो कहाँ पता चलेगा। क्लोई, तुम्हें अपनी आवाज सुनाई दे रही है? क्लोई, ऐसा कर सकते हैं क्या? उनसे कहो कि बाल काट के शेविंग भी कर दे। ये कैमरा कैसे काम करता है? ये क्या ऑटोमेटिक फ्लैश हो रहा है? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, क्या हुआ आपको? गॉड, आपने वहां कुछ देखा क्या? यहाँ से कोई भाग के गया है। जो यहाँ से भाग के गया वो आपको जानते हैं क्या? यहाँ कोई नहीं है हम चारों के सिवा। ऐसा क्या? आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसलिए आप डर गए होंगे, है ना? क्या कहा? ये मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आप लोगों को पसंद नहीं, इसलिए आप लोगों ने मुझे डराने का प्लान किया है। वो लाइट ट्रिक भी बहुत कमाल का किया है,
मैंने भी भरोसा कर लिया। या हमारे सिवा कोई नहीं है और हमने ऐसे कोई प्रयोग नहीं किए हैं। देखिए, आप मुझे जितना भी विश्वास दिलाने की कोशिश कीजिए, भूत प्रेत है ये मैं मानता नहीं। एक बार आप अपना कैमरा तो देखिए। ठीक है, मैं कैमरा देख लेता हूँ, उसमें क्या होगा। आप भी देखिए, कैमरा ऑन कर दिया मैंने, प्ले हो रहा, देखिए। देखो देखो, वो यहाँ पर है, नजर आ रहा है ना। कुछ धुंधला सा है लेकिन कोई फिगर नहीं है। अरे वो एक आदमी है। वो इंफ्रारेड परछाई भी हो सकती है। तुम्हारा कैमरा झूठ नहीं बोलता। ज़ूम करके देखो, वो कोई आदमी की आंखें नहीं है। ओके ऑलराइट, मैं तुम्हें बदल नहीं सकता। यहाँ बहुत अंधेरा है इसलिए मैं फोटो नहीं ले सकता। बाहर कहाँ से जाना बताइए। हाँ आइए, मैं आपको ले चलती हूँ। जल्दी अंदर चलिए। कोई साउंड मत करना। क्या हुआ? ये वही भूतन है जैसे हमने उस दिन रात को देखा था। सब लोग प्लीज साइलेंट रह सकते हो। एलिमेंटल है। इसका मतलब क्या है? डायन। उसका साउंड कब करूं? यहां कुछ है, तुम्हें सुनाई दे रहा है? हेलो, हमारे साथ यहां कोई है? आप कौन है हमें बताइए। आपका नाम स्कॉट है? सब लोग मुझे स्कॉटन कह के भी बुलाते हैं। आपको डॉसन चाहिए क्या? ओके गाइस, ओके। एक बात समझ में आती है कि मैं यहाँ बिल्डिंग ना बनाऊ इसी उद्देश्य से आप लोग ये सब कर रहे हैं। ये जाती नहीं है मेरे साथ। मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपका लास्ट नेम स्कॉट है, मुझे नहीं पता था। ओह कम ऑन, सुनने में तो ये अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली ये सच नहीं है। ये डोर ओपन नहीं हो रहा। आप मेरी सहन शक्ति को आजमा रही हैं। हेलो, दरवाजा खोलो। आपके पूछने से कोई दरवाजा खोल देगा? ऐसा कोई अंदर है ही नहीं। ओके ओके, देखिए एक बात मैं आपको बाद में बताना चाहता था लेकिन अभी बोल रहा हूँ मैं। अब ये बिल्डिंग हमारे हाथ में आ गई है और एक हफ्ते के अंदर आप सबको खाली करके जाना होगा। एक हफ्ते के अंदर? यहाँ पे फिक्स किए हुए इक्विपमेंट्स को निकालने में ही मुझे 2 हफ्ते लग जाएंगे। वो तो मैं नहीं जानता। डॉसन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, हमने वो दरवाजा लॉक नहीं किया। हमारा भरोसा कीजिए। तो फिर किसने लॉक किया होगा? मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि पुराने मालिक बिल ने इसे लॉक करवाया था। दूसरा कोई रास्ता होगा, चलो देखते हैं। तो फिर ये बताओ अब मैं क्या करूँ? अगर जल्दी निकलना है तो यहाँ से कूदना पड़ेगा। आप सब लोग कूद सकते हैं क्या? और कोई रास्ता नहीं है तो करना ही पड़ेगा। कैमरास ऑन है कि नहीं चेक कर लीजिए। वो ऊपर चला गया, ऐसा लग रहा है कि ऊपर चल रहा है। शायद लोग चल रहे होंगे। आओ चलते हैं।
पे कोई है क्या? क्लोवी, तुम यहाँ हो क्या? इसमें रिकॉर्ड हुआ होगा, ओपन करके देखते हैं। कुछ भी नहीं है। चलो फिर से देखते हैं। सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। यहीं पे हमेशा एक छोटी बच्ची की आवाज आती है। ये साउंड कुछ अलग लग रही है ना? ये क्लोई है। शायद वो किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए वो रो रही है। मुझे सिग्नल मिल रहा है 18, 20, 22, अब 40 तक पहुंच गए। जल्दी निकलते यहाँ से। जल्दी आ जाओ। वैसे वहाँ क्या हुआ था? चेक करके देखते हैं। ओह माय गॉड। एमिली, तुम एक बार प्ले करके देखो। बाद में प्ले करना, पहले बाहर निकलने का रास्ता बताओ। ये साउंड हम हमेशा से सुनते आए हैं। क्या भागने की और चिल्लाने की आवाज है? देखो कोई खिड़की खुली है तो वहाँ से छलांग लगाएंगे। इस बिल्डिंग में वैसे कोई रास्ते नहीं है। सारी खिड़कियों को यहाँ पर अच्छे से बंद किया गया है, हम उन्हें ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस फ्लोर में क्या है? अगर इस फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है तो हमें बहुत दूर जाना होगा। अगर ये थर्ड फ्लोर है तो नीचे का रास्ता 20 फीट दूर होगा। ये तो कितना दूर है मैं नहीं जानती। नहीं जानती का मतलब क्या है? मैं कभी भी तीसरी मंजिल से नहीं कूदी हूँ, और वो कितना ऊंचाई ये भी मैं नहीं जानती हूँ। आओ चलो किसी तरह बाहर निकलते हैं। भगवान, ये तो बहुत ही ऊंचा है। मैंने जितना सोचा उससे भी ज्यादा है ये। आप कूदेंगे क्या? पहले तुम कूदो ना। शीशों से दूर रहना होगा। किस लिए? ये डायल शीशे के द्वारा ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है। देखो ये अस्पताल है, हर कमरे में एक आईना होगा। नहीं हो सकता, पर हमें उन्हें अवॉइड करना ही होगा। इस डायल ने हमें इस बिल्डिंग में कभी नहीं देखा होगा। हाँ, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। तुम संभल के आओ। अरे यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। टेम्परेचर सडनली डाउन हो रहा है, 60, 58, 56, 55। मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई है। और मेरी भी। स्पेयर है मेरे पास। कोई भी बिल्कुल भी साउंड नहीं करेगा। चेस, अपनी बैटरी देना जरा। दोस्तों, मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है। कोई दर्द और पीड़ा से चिल्ला रहा है, ऐसा लग रहा है।
सिसकियां और रोने की आवाज आ रही है। बहुत अजीब सा लग रहा है। थोड़ी देर के लिए सब लोग चुप हो जाओ। ओके, तो फिर मैं बाहर जा रहा हूँ। आओ हम भी चलते हैं यहाँ से। शुरू कर दिया ये दरवाजे को पीटना। आज तक इतना बड़ा साउंड हमने कभी नहीं सुना। लगता है कोई नया आया है यहाँ पे। अभी किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मुझे वहाँ अकेले छोड़के तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? मुझे माफ कर दो। God, Emily, I'm very sorry. उस समय मैं आपके बारे में नहीं सोचा था। भूत कहीं हमें मार ना दे इसलिए भाग के आ गए। अच्छा तुमने क्या उसे देखा? वो भूत आत्माओं को खा रहा था। सच कह रही हो? लगता है कि वो यहाँ पे नया है। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अगर यहाँ पे कोई हरकत हो भी तो डरना मत और मेरे साथ ही रहना, क्योंकि जो डरते हैं उन पर ही भूत अटैक करते हैं। ओके। क्या कहा?
बिना डर के रहूं? अगर कोई पीछा करे तो बिना डर के कैसे रहेंगे हम लोग? बैक डोर्स पे भी कैमरा लगे हैं ना। हाँ ठीक है, अब कैसे जाना होगा? हॉल से होके चलते हैं, वहीं से तो आए थे। उस तरफ जाना मूर्खता है, वहाँ कुछ है जब हमें पता है तो क्यों जाएं? पर वो हर जगह मौजूद है। मैं नहीं आऊंगा, तुम्हें जाना तो तुम जाओ, जब हम लोगों को पता है कि वहाँ कुछ है तो हम लोग क्यों जाएं वहाँ? तो फिर यहीं पे वेट कीजिए, मैं जाकर देख के आती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम देख कर आओ कि रास्ता कहाँ है, हम यहीं पर रहते हैं। ठीक है यहीं रुको, हम लोग आते हैं। तुम यहीं रहो जेस। ओके। कमाल है, लड़कियां रास्ता ढूंढने गई हैं और हम मर्द लोग चूड़ियां पहन के यहाँ खड़े हुए हैं। हमें तो शर्म है ही नहीं। अपनी जबान को लगाम दोगे? पता नहीं मैं क्यों आके फंस गया। एमली, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसी? तुम डरना मत, थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ओके। यहाँ बहुत शांत वातावरण है। लगता है दरवाजा हवा के कारण ही गया। Oh my God. उनके पास चाबियां नहीं है। ओके, हे भगवान, तुम्हें हमारी रक्षा करो। वो वापस आ रहे हैं। कोई रास्ता नहीं मिला। पता है मुझे, नीचे से कोई रास्ता होगा, चलो चलते हैं वहाँ। ओके। और फिर फोर्थ फ्लोर? हमने अभी तक वो नहीं देखा। मैंने एक फायर ग्लास को देखा, उसे तोड़ के निकल जाएंगे हम लोग। वही मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमारे पास कीस नहीं है। ओफो, देखने में वो भारी नहीं है, एक घूसा देते टूट जाएगा। चलो हम लोग चलते हैं। वैसा ही करेंगे। इसका मतलब अभी तक फोर्थ फ्लोर नहीं गए आप लोग? वहाँ जाने का अवसर आज तक नहीं मिला। मैं कई आत्माएं इसी फ्लोर पे घूमती रहती है, ऐसा देखा है हमने। एक मिनट रुको, वैसे आप क्या कह रही है? पहले एक हॉस्पिटल था, यहाँ पर हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल के फोर्थ फ्लोर में आज तक कोई नहीं गया, ये मैं नहीं मानता। कैसे? ये गलत नहीं लग रहा आप लोगों को? अब हम क्या करें? जरा से पकड़ना। ओके। थोड़ा दूर रहो। सुपर। ओह हे भगवान, यहाँ इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस बीच में मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ।
ये सब विल ने किया होगा, उसी के पास चाबियां रहती हैं। ये सब उसी ने किया होगा, इसका मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एमिली, जरा इसे देखो, इसके ऊपर 1993 लिखा हुआ है। ये 20 साल पुरानी फोटो है। हे भगवान, ये तो लेसी है। ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब क्या है? दुनिया में कई प्रकार की पद्धतियां होती हैं। लगता है कि भूतों को बुलाने के लिए ऐसा किया होगा। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है। हो सकता है कि इनकी आत्माएं भी यहीं घूम रही हो। Oh my God! अब इसको यहाँ से कैसे निकालें? मैं इसे हाथ नहीं लगाना चाहूंगा। मुझे माफ कीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। इसको हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा। आओ मेरी मदद करो। तुम नहीं आओगे तो मैं निकालता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? निकाल रहा हूँ। तुम यहाँ से निकल जाओ। ये भूतों के लिए पूजा की गई थी, अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। चलो यहाँ से निकलो। वो देखो, एक आत्मा, वो हमें अपने साथ बुला रही है। इसका मतलब वो बुरी आत्मा हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। आत्मा हमेशा अच्छी होती है, भूतों की तरह नहीं। ये डोर तो हमेशा बंद रहता था, मैं समझती हूँ। मैं भी यही सोचती थी। लगता है वो चला गया। डेफिनेटली आत्मा चली गई। ये सब भी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से ही है ना? हाँ। ये सब अभी तक क्यों रखे हैं? अब तो बस कुछ फाइल्स बची हैं। हॉस्पिटल शिफ्ट करते समय कई फाइल्स मिस हो गई। ये जगह क्यों खराब नहीं हुई, मुझे अभी पता लगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स उल्टे सीधे पड़े हुए हैं। उसका इससे क्या संबंध है? समझ में आया ऐसा बताओ। जिनके रिकॉर्ड्स ठीक नहीं है, मतलब उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ। दूसरा नाम इस पे है। तुम्हारा नाम इस फाइल में कैसे? देखती हूँ। ये तुम्हारी बहन है? इस आत्मा के लिए ही तो ढूंढने आए हैं हम यहाँ। I'm very sorry, तुम्हारी सिस्टर भी इसी हॉस्पिटल में मर गई थी, ये मुझे नहीं मालूम था। जब हॉस्पिटल में मेरी दीदी थी तब हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। उसके मरने के बाद ही इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया था। ये किसकी फाइल है? एम्बर मॉरिस। यहाँ देखो, हम गोल्ड स्टील। वो आत्मा चाहती है कि हम ये सब देखें। तभी तो वो आत्मा हमें यहाँ पे लेके आई थी। ये सारे रिकॉर्ड सचमुच के हैं? नाम, उम्र, तारीख सब मैच हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इस बारे में सब जाने। बकवास बंद करो तुम लोग, और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ओपन। एमिली, दरवाजा खोलो। घबराओ मत, कुछ हुआ तो नहीं। ठीक तो हो ना? तुम बिल्कुल मत डरो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, I'm okay। अब मेरे पास केस नहीं है। ओह माय गॉड, अब आपको क्या हुआ, बोलिए। लगता है किसी ने काटा है मुझे। जरा दिखाना मुझे। ये काटने का निशान नहीं है, किसी जानवर ने खरोचा होगा। क्या क्या कहा? कोई जानवर? कैसा जानवर? मेरे ख्याल से भूत है। वैसे तुम क्या बात कर रहे हो? उस भूत ने उस पर मार किया है। मुझ पे मार क्यों किया है? मेरे साथ क्या हो रहा है?
आपको कुछ नहीं होगा। आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे साथ क्या हुआ बताओ मुझे। उसने डॉसन पे ही मार किया है। उस भूत को तुम पसंद आए इसलिए तुम पर मार किया। जो भी कह रहे हो ठीक से कहो ताकि मैं समझ सकूं। तुम ही उसके टारगेट हो इसलिए तुम्हें मार किया है, समझे तुम? उसने मुझे क्यों टारगेट बनाया, क्या हो रहा है ये? तुम्हें इस लोक से अपने लोक में ले जाकर तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए इसलिए आप पर मार किया। बताने के लिए धन्यवाद। तो किसी भी तरह उसे तुम लोग मुझे बचा लोगे ना? अब तो तुमको हम पे भरोसा हो गया ना एमिली? तुम घबराओ मत, हम तुम्हें किसी तरह वहाँ से बाहर निकालेंगे। वहीं पर रहो, आओ मेरे साथ। चलो। हे सुनो, कहीं भी मत जाना, मैं दूसरे रास्ते से रिसेप्शन पे आती हूँ, तुम लोग भी वहीं आ जाना। ये मैं कर सकती हूँ, मैं किसी से नहीं डरूंगी, हिम्मत से काम लूंगी, तभी मैं जो चाहती हूँ उसे हासिल कर सकती हूँ। कुछ तो करो। चेस, एमिली वहाँ नहीं है। क्या? उस स्टोर के पास वो नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तुम एक बार रिवाइंड करके देखो। कहाँ चली गई होगी? वहाँ पर एक ही रास्ता है और वो रास्ता बेसमेंट पे जाता है। कहीं वो पागल तो नहीं होगी? सुनिए, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, उसे हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे बचाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ। क्यों नहीं आओगे? तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। कारण मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस भूत को मैं पसंद नहीं हूँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, इसलिए मुझे मार किया है। मेरे आने से तुम्हें भी खतरा है। वो ठीक कह रहे हैं, मैं उस भूत को देखना नहीं चाहती। ओके। वो बेसमेंट में होगा, देखते हैं। जल्दी वापस आ जाना। क्यों, डर लग रहा है क्या? अबे जावे। तुम डर तो नहीं रही हो? मैं नहीं डर रही। बेवजह तुम मुझे इस प्रोफेशन में लेकर आई, मैं तुम्हें चाहता हूँ इसीलिए आ गया। पता नहीं क्यों मेरी हॉबी सबसे अलग है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। इस प्रोजेक्ट के बाद हम लोग एंजॉय करने के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे। हम बिल्कुल जाएंगे, समझे तुम? ओके। तुम डरो मत, अब हमें क्या करना होगा, चलो बेसमेंट जाके पता लगाते हैं। उसको कुछ नहीं होगा, ये मेरा भरोसा है, वो भूत हमें कुछ नहीं करेगा, उसने डॉसन को मार किया है। ओके, चलो चलते हैं। I'm sorry, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं आ सकती। तुम बेवजह ही डर रही हो, एमिली का पता लगा कि हम तुरंत ही यहाँ से चले जाएंगे। मुझे डर लग रहा है, मैं बिल्कुल अंदर नहीं आऊंगी। डरो मत, मैं हूँ ना। चेस, I love you. I love you too. अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहीं रुको, मैं वहां जाके देख आता हूँ। जब तक मैं वापस ना हूं तुम कहीं मत जाना। ओके, तुम जल्दी आ जाना। ओके। एमिली यहां पर भी नहीं है, तो फिर कहां गई होगी? ओह माय गॉड। कैस, वहां से जल्दी बाहर निकलो। तुम डरो मत, हिम्मत से काम लो। रो क्यों रही हो? तुम रोना बंद करके इधर आ जाओ, वो वहां नहीं है, चला गया। आओ केसी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तुरंत घर जाना है। हम तुरंत चले जाएंगे, तुम आ जाओ।
मेरी बात सुनो कैसी, तुम आओ यहाँ और कहना ठीक नहीं है, तुम आ जाओ मेरी बात मानो प्लीज। आओ कैसी, तुम आओगे तभी तो जाएंगे यहाँ से, तुम रो क्यों रही हो, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो कैसी, तुम रोना बंद करके जल्दी आ जाओ, मैं कह रहा हूँ तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो, चलो जल्दी आ जाओ यहाँ से निकलते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। Thank you.
भगवान, तुम ही मुझे किसी तरह से बचा लो। विलियम तुम हो? पता है मैं कितना डर गया था। क्या कर रहे हो? एमिली का वेट कर रहा हूं मैं, कल रात से यहीं पर हूं। तुम्हें फोर्थ फ्लोर में नहीं जाना चाहिए था, कोई नहीं जाता वहां पे। मैं फोर्थ फ्लोर नहीं गया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मत बोलो मेरे साथ, तुम वहां गए थे मुझे पता है। मैं और मेरी बेटी वहीं रहने वाले थे, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं आया, वही ना? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे मरना होगा। है ना सर? विलियम ने मुझे मारने की कोशिश की, उसको मैंने ही मार डाला। ओह माय गॉड, चेस और कैसी कहाँ है? वो लोग तुम्हें ढूंढने गए थे। यहाँ अंदर कौन है? अच्छा हुआ आप ठीक समय पे आ गए। इस वक्त यहाँ पे कितने लोग हैं बताइए हमें। हम चार लोग यहाँ पर आए थे पर दो नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे क्या हुआ हमें बताएंगे आप? मैं बताऊंगा फिर भी आप भरोसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर हैं, ये आपको खबर किसने दी? एक लड़की ने फोन किया और इमरजेंसी है कह के तुरंत आने को कहा। वो नंबर ट्रेस किया तो एमिली स्ट्रैंड का था। हाँ वो मेरा ही नाम है। आप यहाँ पे हैं, आपके बगल वालों ने बताया। ओके सर, आप बाहर आइए। बाहर आ जाइए, हमारे साथ चलिए। ठीक है, आप भी आइए। आइए। पहले इस हॉस्पिटल को पेट्रोल डाल के तबाह करना होगा।